नमस्कार, स्वागत है आप सबका UNN इंडिया पे। और कुछ बताने से पहले मैं एक बार चाहूंगी जो हमारे कैमरा पर्सन है प्रशांत जी, वो दिखाएंगे एक बार भीड़ दिखाइए। ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये एक नेता का वेट कर रहा है। इतनी बारिश होने के बाद भी लोग हिले नहीं, आखिर किसकी रैली है जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। तो बता देती हूँ कि एक VIP पार्टी जो बिहार की है वो यूपी में आई है, और सिर्फ यूपी में नहीं, इस वक्त आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर में है, रैलियाँ कर रही है, हेलीकॉप्टर रैलियाँ कर रही है। इसके बारे में आपको पता ही होगा अगर हमारे चैनल से जुड़े होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर की जनता जिस तरह यहाँ पे मौजूद है, इतनी बारिश होने के बाद भी लोग यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं नेताजी का। नेताजी हेलीकॉप्टर यात्रा कर रहे हैं और अभी तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि खराब मौसम की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। खैर, वो जल्दी आने वाले, अपडेट मिला है कि 10 मिनट के अंदर वो यहाँ पे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार दिखाएं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है आधी आबादी, यानी जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनकी संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है। मतलब यहाँ पे दो लोग सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, या तो युवा या तो महिलाएं। यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाएं आई हैं अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर, VIP पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई है। और आप देख सकते हैं इतनी बारिश हुई, हर तरफ कीचड़ मचा, फिर भी ये महिलाएं यहाँ पे आई है। वैसे तो यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है वो शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या राय है VIP को लेकर, इनको कितना उम्मीद है VIP से कि VIP इनके लिए काम करेगा। सो यहाँ पे कई लोग जुड़े हुए हैं। मैम, आपसे बात कर सकते हैं? आप यहाँ पे VIP के लिए आई हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? बताइए इस बात, आप क्या चाहते हैं, क्या करें आपके लिए, क्या करें आपके लिए, क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो कर नहीं रहे हैं। आप क्यों आई हैं यहाँ? यहाँ घर पे मेरे बाढ़ हो रही है एकदम, पूरा सोच रहे हैं कुछ कहने के बाद। घर और गिर गया है, बाढ़ आई है एकदम से, पूरा बंपू सीट लगवा करने आए, सोचे कुछ हम लोग का भी लिए कुछ करें। अभी जैसा कि आप जानते हैं आजमगढ़ में बहुत ही पानी बरसा है, मैं खुद एक दिन से आई हूँ और मैं यहाँ का हालात देख रही हूँ, हर तरफ पानी लगा। यहाँ तक कि जो पानी हमें आते हैं वो भी पीले रंग के पानी आ रहे हैं। मैं खुद दो दिन से हूँ आजमगढ़ में और ऐसा माहौल देख रही हूँ। तो यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, यहाँ पे हैं, पीछे हैं, इनसे पूछते हैं किस लिए आई है। क्या सेवा सुनाई है, बलौले रहना ही है, कुल देखा है अल्लाह ने। मंत्री जी को देखने आई है? हाँ, कुछ चाहती नहीं है उनसे? काहे ना चाहत है, चाहती है अपने गांव का विकास बनावे, लड़के पढ़ल लिखल है, कुछ दिए अब बनाए और का चाह। देखने तो आई है लेकिन इनका उम्मीद है कि थोड़ा सा विकास हो, और मंत्री जी जो है मुकेश जी हैं वो कुछ इनके लिए भला करें। और भी आगे बढ़ते हैं, और भी यहाँ पे काफी महिलाएं बैठी हुई हैं और उनसे भी बात करते हैं कि ये क्या चाहती। एक बैठी हुई है, झंडा लिए हुए, टोपी लगाए हुए, बहुत अच्छी लग रही है। आप यहाँ किस लिए आई है? हम यहाँ आए हैं अपने निषाद भाइयों को एकत्रित देखे हुए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप मुकेश से क्या चाहती है? मुकेश साहनी से यही चाहते हैं कि हम लोग को सब एकता में जोड़ ले, और हम लोग का भी कोई नाम हो, हम लोग का कोई जान पहचान नहीं है कहीं भी, हम लोग को कोई जानता नहीं है, सबको जानते हैं सब लोग, सबकी सुनवाई होती है, हम लोग की सुनवाई कहीं भी नहीं होती है। हम लोग निषाद भाई जैसे गरीब थे वैसे ही गरीब रहते हैं, हमेशा गरीबी से झेलते ही रहते हैं। कोई विकास के लिए आया है तो कोई चाहता है उनको पहचान मिले, ऐसी हैं। और भी हम लोग महिलाओं से बात करेंगे। आप यहाँ क्यों आई है बताइए, क्यों आई है आप? और हम लोग कुछ मिला उला खातिर भी आई है, कुछ खातिर आल है अपने जात भी आदर के जगावे खातिर, रक्षा खातिर आल है, अपने आरक्षण खातिर आल है, अपन बिरादर निषाद भाई लोगन तैयार हैं, अपने आरक्षण खातिर आल है, हमारे सबके अपन मांगन मिले चाहिए, नौका जी क्या करेगी है। तो सबका एक ही नारा है कि हमें एक अलग पहचान चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, और सब एक ही सुर में बोल रही हैं। और भी यहाँ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करते हैं, तो आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिए झंडे लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनके सैनिक जिताने के लिए आई हूँ। जिता देंगी लग रहा है? हाँ बिल्कुल जिता दूंगी, और कुछ नहीं चाहती हैं। मतलब अगर वो जीत जाएंगे तो आपको क्या फायदा होगा? बहुत कुछ फायदा होगा, हमारी जात पिछड़ी हुई है। अब कहाँ पिछड़ी हुई है? पिछड़ी है, सबका जात आगे बढ़ गए, अब हमारा निषाद सबसे पीछे है।
तो लगता है मुकेश जी आपकी नैया पार करा देंगे। सब भगवान के पार करा दिए, लेकिन हम लोग के बीच धार में छोड़ दिए। हरदम पानी में बुड़ल रही, पानी में ना रही तो बाहर रही तो सड़ न जाई, पूरे कुछ आवे पानी में से। जा नैया अब तनी बाहर जाई, और नैया अब बोला कहल जानु जहाज बने के तैयारी करत। अब नैया नैया ना रहल, नैया नैया ना रहल, अब जहाज बनी। हाँ हाँ, जहाजी पब हमारे लोग यहाँ पे तैयारी हो गई। और भी आगे बात करते हैं तो आइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की संख्या, मैं एक बार बोलूंगी फिर से कैमरा घुमाए और देखेंगे यहाँ पे काफी महिलाएं हैं, और जो सिर्फ इसलिए आई हैं कि मुकेश जी से मिल सके और आरक्षण मिल सके, उनका उनको पहचान मिल सके, वो भी बाकी लोगों की तरह सर उठा के चल सके। खैर बहुत चीज़ें बदलाव आई हैं और ये बदलाव चाहती हैं, और शायद इसी वजह से एक प्यारी सी बच्ची भी है। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम आए हैं अपने अधिकार के लिए, हमें भी अपना अधिकार चाहिए। क्या करना चाहती हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है? हमें सम्मान चाहिए, हम भी समाज में जीना चाहते हैं। कोई दिक्कत है तुमको? कौन नहीं जीने दे रहा? हमारी सरकार चाहिए, हमें अपना हमें अपने निषाद को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, तुम बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? एक नेता। अरे वाह, तो वीआईपी पार्टी ज्वाइन करने की पूरी तैयारी हो गई है? नहीं अभी तो नहीं। तो फिर नेता किस पार्टी से जुड़ेंगी आप? वीआईपी पार्टी से। तो फिर बात हो रही है वीआईपी से ही तो जुड़ेंगी। हाँ, अभी आपकी उम्र क्या है? 17 साल। अभी तो आपको वोट देने का भी हक नहीं है, नेता बनने की पहले से ही प्लानिंग हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से लोग हैं, कुछ लोग मुंह भी छुपा रहे हैं कि कहीं मैडम उनसे पहुँच ना जाए बात करने, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, सो दादी क्या मांगने वाली है मुकेश जी से? बहना बतिया पाई है ना? अरे मत बतियाई, खाली बता दी रहो का चाही, खाली इतने जानल चाहता नहीं। अरे बता दी तो नहीं, सु बता दी अम्मा को, अबे आज ना बोलम तो कहिया बोलम। अमर जन दादी बनी तो नहीं शर्मा तारी, कौनो बात ना, आगे और ही लोग बा जे देख सब क्यों शर्माता रहुआ बोलम। ठीक है, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे है, आप कुछ बोलेंगी, आप क्यों आई हैं यहाँ पे? यहाँ पर आल है जितावे खातिन भैया नैया वाले के। अरे बाप, हाँ तो जीत जाइए नहीं बेरी है जान, हम लोग लड़के आगे बढ़ाए। कभी लड़का लोग आगे नहीं के बढ़त लो, अब तो सरकार सब कुछ देते बावे। सरकार तो देता है, लेकिन जीत जाइए हैं कुछ जरूर बनी। रउआ का चाहिए? हाँ आपको क्या चाहिए? अब बतावा तब जान पाई, बताए। अच्छा सुनने आई है उनको, मैं बता दूं कि उनको आने में अभी टाइम है, और यहाँ पे कई बहुत सी महिलाएं हैं जो मुझे देख तो रही हैं, लेकिन जब पास जाते हैं तो बेचारी छुप जाती है, क्योंकि इनको कभी मौका ही नहीं मिला बोलने का, और ये बोलना चाह रही हैं। छोटी सी बच्ची हो तो नेता बनने की तैयारी है, और जो बोल पा रही है उनको सिर्फ यही चाहिए कि वही सम्मान मिले जो बाकी औरतों को मिलता है, वही विकास मिले जो बाकी लोगों को मिलता है। उनको लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि उन्हें आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए वो वीआईपी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई है। और यहाँ पे काफ़ी महिलाएँ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही, क्योंकि हमें लग रहा है कि मुकेश जी आने वाले हैं। सो सारे अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए UNN India।